अस्सलाम वालेकुम आई टी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पाकिस्तानी मशहूर टिकटॉकर हरीम शाह के बारे में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्कैंडल जो हैं पॉलिटिशियन के लीक किए हैं। मौलाना फजलुर रहमान को ये जो है इन्होंने धमकी देने के बाद अब ये मौलाना साहब के पीछे पड़ गए हैं, और इन्होंने ये भी बोला है कि वो जो हैं इंतहाई अच्छे आदमी नहीं हैं, मज़हब के नाम पे जैसे वो आदमी हैं वो एक्सपोज कर देंगे और उनकी वीडियो वायरल कर देंगे। सबसे पहले तो हरीम शाह करें और आप ये कहें, और आप हरीम शाह ने साफ तौर पर बोला कि मौलाना साहब अच्छे आदमी नहीं हैं और उनके पास ये सबूत है, और उन्होंने चैलेंज भी किया अगर वो गलत कह रही हैं तो मौलाना फजल रहमान जो हैं वो इस बात पर तनकीद करें ना। उन्होंने कहा कि मैं सच बोल रही हूँ और ये जितनी बातें मैं पॉलिटिशियन के बारे में करती हूँ इनकी तमाम वीडियोज और तस्वीरें मेरे पास अवेलेबल हैं। इसी वजह से ये नेट बंद होने के ऊपर भी इन्होंने राना सनाउल्लाह को जो है ट्वीट करते हुए कहा कि अगर कल तक नेट ठीक ना हुआ तो आपकी बहुत ज़्यादा वीडियो बहाल हो जाएंगी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियन के ऊपर सवाल उठाया कि जनरल चीफ हो या कोई भी आर्मी चीफ हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, वो अपनी इन ऐसी हरकतों से बाज नहीं आते। आपकी क्या राय है इस बारे में, हरीम शाह के बारे में, कि इस तरह उन्हें करना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा देंगे तो आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए जी, खत्म करते हैं यहाँ पर वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।